हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो अम्मा आई थी ना काम वाली, तो उन्होंने मेरा सर दबाया, तब जाके थोड़ा आराम हुआ। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे कुछ काम है करना है, तो मैं सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तो ब्लॉग भी चलता रहेगा, आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा और काम भी होता रहेगा। ठीक है, और आप लोग बताइए कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आज मैं चिपकू चिपकू लग रही हूँ, इतना सर पर तेल अम्मा रखी ना, पूछो मत। ठीक है, तो चलिए, मुझे दही जमाना है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर भी कर दूँ और जमा भी लूँ। तो अभी आ रही है डांडिया खेलने। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक बाय बाय। सो गाइज, यहाँ पे मैं दूध लेकर आई हूँ। दूध में मैंने पानी नहीं डाला था उबालते समय, और अच्छे से उबाला है, और इसमें 3 चम्मच के करीब बड़े चम्मच से दही है, तो अच्छे से डाल लूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको ले जाके बाहर रखूँगी। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में रखने से ना वो दही जमता भी नहीं और खट्टा भी नहीं होता। ठीक है, तो बाहर ही रखूँगी, क्योंकि आर्या मुझे बोल के गई है कि मुझे उत्तपम खाना है, तो मेरे पास दूध अवेलेबल है, तो मैं क्यों बाहर से दही मंगाऊँ? मैं दही घर पर ही नहीं बना लूँ, और घर पर बनाना शुद्ध भी रहता है। तो इसके लिए अब अच्छे से मिक्स करूँगी, जब तक दूध और दही अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। मिक्स करने के बाद ये दूध भी हल्का गुनगुना है। ठीक है, ठंडा दूध रहता है तो अच्छे से नहीं जमता, तो गुनगुना दूध रहता है तो अच्छे से जम जाता है। तो चलिए, मैं इसको रख देती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक बाय बाय। सो गाइस, अभी मेरा टाइम हुआ है स्नैक्स का, और मैं खा रही हूँ अनार। ठीक है, और इस टाइम बज रहे हैं 5:10 हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्नैक्स में कुछ खा लूँ हेल्दी। भूख लग जाती है 12 बजे खाना खाने के बाद, भूख लग जाती थोड़ी सी, थोड़ा सा काजू या ये जो भी रहता है वो मैं खा लेती हूँ। शाम को थोड़ा सा लिक्विड जैसे कि सूप पालक का या फिर टमाटर का, यही सब खाऊंगी, मेरा डिनर हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे बज रहे हैं 6 और मिस्टर जी आ चुके हैं, और मैं बना रही हूँ चाय। मिस्टर जी बहुत थके हुए थे तो बोले थोड़ा सा चाय बना दो। वैसे जल्दी पीते नहीं शाम को, लेकिन जब बोलते हैं तो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बिना शक्कर का चाय ले रही हूँ, क्योंकि मेरा डाइट चल रहा है तो मैं शक्कर नहीं डालती। अब मिस्टर जी में 1 चम्मच से भी कम शक्कर डाल के मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चाय पक चुकी है। मैं लोग चाय पत्ती बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कड़ी चाय हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, तो अभी छान लेंगे। और मैंने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे भी गिर गया थोड़ा सा चाय, कोई बात नहीं। चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह में। ठीक है, तब तक बाय बाय। सो गाइज, यहाँ पे 6:10 की 15 मिनट कम है। ठीक है, और मैं कर रही हूँ वॉकिंग। मैं अपने अपार्टमेंट के नीचे ही वॉकिंग करती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाती। यहाँ पास में गार्डन भी है, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, इसके लिए मैं घर यहीं पे करती हूँ। और मुझे जो मिलता है चप्पल शूज़ जो भी जल्दी जल्दी मिल जाता है, मैं वो ही पहन के निकल जाती हूँ वॉकिंग के लिए।
ठीक है, मेरे मेरा जो अपार्टमेंट है उसी का चक्कर लगाती हूँ। कभी 20, कभी 25, कभी 15 भी हो जाते हैं, जैसा टाइम रहता है मेरे पास। मैं जैसे उठती हूँ वैसे ही वॉकिंग करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वॉकिंग कर रही हूँ और मेरे साथ आरओ भी आया था, मोबाइल लेके आया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो भाई, ठीक है। तो ये है, और आरओ का हाथ शेक हो रहा है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अब हमारा वॉकिंग कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मेरा भी 15 चक्कर से ज़्यादा हो गया है और बज गए हैं 6:20 हो गए हैं। अब घर पे चलना है, मुझे बहुत तेज़ प्यास आई है। और उधर वॉचमैन अंकल, वो पीछे वाला जो दरवाज़ा है वो खोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है। मैं गुड मॉर्निंग आप लोगों को बोलना भूल गई थी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे सब्जी कट रहा है, ठीक है। और अब मैं चल रही हूँ, किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए मैंने यहाँ मिर्ची डाला है, मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया, तो धनिया भी मैंने कट कर लिया, धो के कट किया है। उसके बाद मैंने 4-5 जवा लहसुन लिया है, ठीक है। थोड़ा सा 10-15 पत्ती मैंने करी पत्ता लिया है, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा चना दाल भुना हुआ, जो भुना वाला चना दाल आता है ना, वो बिना छिलके वाला, वो मैंने यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैंने पहले से ही, मतलब तो मैं रखती हूँ ये, इसको क्या बोलते हैं, नारियल, ठीक है। नारियल का जो बुरादा होता है वो मैं रखती हूँ, और इसको मैंने भून के लिया है। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी, ठीक है। तो और नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए, और पीसने के बाद देखिए कुछ इस तरह का कलर आ जाता है, और देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये चटनी। मैं कुछ इसी तरह से चटनी बनाती हूँ, नारियल की 2-3 तरह से बनाती हूँ, मैं आप लोगों का शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल फ्राई, ठीक है। मेरा चावल फ्राई बन गया है। मैंने ये रेसिपी नहीं शेयर किया, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर किया है आप लोगों के साथ। आर्या को नमक चिखा रही थी, और यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है वो चटनी के लिए। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये उड़द की दाल है, चना दाल है, करी पत्ता और हींग है थोड़ा सा, और मस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं पहले मस्टर्ड डाल दूँगी, चटक जाएगा। उसके बाद जो भी और मसाले हैं खड़े, उसको ऐसे ही डाल दूँगी पूरा मिक्स किया हुआ। तो डालने के बाद मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स करूँगी, चलाऊँगी, जब तक ये दाल वगैरह जो रेड नहीं हो जाए। तब तक अभी नहीं पका है, देखिए अभी रेड नहीं हुआ है, तो रेड होने तक मुझे इसको चलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बढ़िया से चटक जाए, ठीक है। तो अभी हो गया, मैं बंद कर देती हूँ गैस और इसमें लगा देती हूँ तड़का, ठीक है। तो ये है सिंपल सी नारियल और जो बादाम होता है, जिसको सिंगदाना भी बोलते हैं, उसकी चटनी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम। उत्तपम में मैंने सबसे पहले भिगो के रखा था, मैं जब वॉकिंग करने जा रही थी उससे पहले ही मैंने भिगो दिया था। इसमें दही और सूजी डाल के भिगो दिया था उसको। और इसमें अभी थोड़ा सा मैंने डाला है गाजर, छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, और थोड़े से टमाटर, ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करके अभी मैं उत्तपम बना रही हूँ, ठीक
ठीक है, आप चाहें तो आलू उबला हुआ ग्रेट किया करके डाल सकते हैं, उसमें बहुत सारे मसाले भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें पानी कम लग रहा था तो मैंने पानी का यूज़ किया है, और आर्या को बटर बहुत पसंद है तो इसके ऊपर बटर डाल दी मैं, अमूल का जैसा कि आप लोगों ने देखा बटर है, ठीक है। और अब इसको अच्छे से मीडियम आँच पे मुझे पकाना है। एक साइज पक गया, एक साइज नहीं। अब आर्या को चटनी करके रखी हूँ और आर्या को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि वो वही वेट कर रही है, उसको भूख लग गई है। ये सब देखती है तो उसको भूख लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रही हूँ आर्या को, दूसरा अब डाल रही हूँ, अब दूँगी आरो को। तो ये लोग एक या डेढ़ ठे खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा पाते, बस बोलते हैं। और जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ऑटो वाला कुछ बात कर रहा है किसी से, तो आर्या जा रही है, आर्या आरो जा रहे हैं, और आगे मौसी के घर जाएंगे, वहाँ से शिवा के बच्चे भी और सिद्धि सब साथ में चले जाएंगे ऑटो में, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपना दही दिखा देती हूँ जो कि मैंने कल जमाया हुआ था, और मैंने कल सुबह इसमें से निकाल लिया, इसके लिए पानी छोड़ा हुआ है, नहीं तो पानी नहीं छोड़ा था, और मस्त दही जमा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, ठीक है, और आर्या आरो जैसा कि आप लोगों ने देखा स्कूल चले गए। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि खाना बन गया आज। मिस्टर जी भी कल बोल रहे थे कि मुझे चावल फ्राई खाना है, तो मैंने उनके लिए भी चावल फ्राई बना दिया, ठीक है। और मैं अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई हूँ, और बैगन की, सिर्फ बैगन की सब्जी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो खाना तो बन गया है, गैस पोछना है, और अभी तो हम लोग पूजा नहीं करते क्योंकि अभी पितर पक्ष चल रहा है। पूजा होगा हम लोगों का मंडे से, मंडे को पहले थापना है, तो मंडे से पूजा स्टार्ट होगा, ठीक है। उससे पहले आज गुरुवार है ना, आज कल परसों या संडे को मंदिर को साफ करना है, क्योंकि भगवान की स्थापना होगी तो मंदिर साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नवरात्रि चल रहा है जो कि पावन महीना माना जाता है, माता रानी का आगमन होता है, तो इसके लिए मंदिर को साफ करना है। और भगवान के जो नीचे का था उसको तो मैंने पहले ही साफ करके डाल दिया है, और थोड़ा बहुत काम है करना है, डब्बे वगैरह साफ़ करने हैं, लेकिन अभी नहीं साफ़ करूँगी। साफ़ करूँगी मैं दिवाली के 15 दिन पहले, 15 दिन या 10 दिन पहले सब सफाई हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ डब्बे साफ़ करूँगी, ठीक है। तो यही है आज का ब्लॉग, और मैं पसीना पसीना बुड़ गई हूँ एकदम से, क्योंकि नीचे गई फिर नीचे से आई और प्यास लगी थी, बहुत तेज़ प्यास लगी थी, पानी पी, ठीक है। और कल का ही फरमाइश था इन लोगों का, एक दिन रात को ही बता देते हैं कि क्या लेके जाऊंगा। तो मैं आज छोले और पूड़ी बनाने वाली थी, काबुली चने की छोले और पूड़ी बनाने वाली थी, बट ये लोग बोले कि नहीं मम्मा, मुझे उत्तपम लेकर जाना है, और स्नैक्स में उत्तपम और लंच में चावल फ्राई। तो बहुत लेट हो गया आज बनाने में, जबकि मैं सुबह का ही उठी हूँ, 6 नहीं बज रहा था, 10 मिनट बाकी था 6 बजने में, तब से मैं उठी हूँ। तो नीचे गई, वॉकिंग करके आई, पानी पी, फिर सब्जी वगैरह काटी, फिर चावल चढ़ाई, फ्राई करी, फिर चटनी बनाई। चटनी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है, देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर उत्तपम बनाई, बच्चे खा के लेके गए, क्योंकि आज इन लोग वैसे तो खा के नहीं जाते, लेकिन कल टीचर बोली है कि आप लोगों को खा के आना है कल। उन लोगों का मतलब आज आज उन लोगों को कुछ दवाई पिलाई जाएगी, पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो मर जाते हैं, और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग के लिए क्या बोलते हैं उसको। तो अरे आज जैसा मुझे बताया वैसा मैंने आप लोगों को भी बता दिया, ठीक है। तो उसी के लिए खा पी के सब लोग गए, ठीक है। तो अभी मैं हो गई हूँ खाली, अभी मुझे नहाना है, और अभी नहीं नहाऊँगी, अभी मिस्टर जी उठेंगे चाय वगैरह दे के, तो उसके बाद नहाऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ उसके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।